Here we will do some questions and some topics related to osmotic pressure. So first है हमारे पास isotonic solutions. कुछ terms है हमारे पास कि isotonic solution किसको बोलते हैं, hypertonic solution किसको बोलते हैं, hypotonic किसको बोलते हैं. ठीक है, there are three type of solutions: iso, hyper and hypo. So अब देखो, isotonic means, iso means same. So, जिन दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होगा तो उनको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. इफ द टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. क्लियर? अब देखो, जैसे हमारे पास टू सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, तो एक है सपोज प्योर सॉल्वेंट, दूसरा है सॉल्यूशन. एक का ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, दूसरे का हाई है, और यहाँ पे है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. क्लियर? तो क्या किया था कल कि सॉल्वेंट है जो वो पास हो रहा है इनटू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. तो इन दोनों का पहले क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट. लेकिन बाद में क्या होगा कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड की तरफ जाएगा, तो जब कंसेंट्रेशन दोनों की सेम हो जाएगी, या ऐसे कह लो कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर जब सेम हो जाएगा, तो जो एंट्री है सॉल्वेंट की इनटू द सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगी, स्टॉप. सो तब उन दोनों को क्या बोलेंगे हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर वन सॉल्यूशन हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर, देन दैट इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक. उसके बाद है हमारे पास कि एक होता है हमारे पास, जैसे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज preferred for the determination of molar mass of solute. So देखो, colligative property में मैंने आपको करवाया था कि colligative property जो होती है उसकी output क्या है, उसकी importance क्या है, कि हम उससे molar mass को determine करते हैं. हर colligative property में हमने MB को use किया था, numericals में भी हम MB find करते हैं. So अब ये पूछ रहा है कि there are four colligative properties: relative lowering, elevation, depression in freezing point and osmotic pressure. तो अब ये बताओ कि कौन सी colligative property best है for the determination of molar mass of macromolecules. So कौन सी colligative property best है, osmotic pressure. कौन सी है, osmotic pressure. So अब इसके reason क्या है, क्यों ये best है property. First कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं है. जैसे एलिवेशन है उसमें क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई. फ्रीजिंग है उसमें क्या चाहिए, टेम्परेचर लो. बट ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर. फिर सेकंड, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये सब किस पे अप्लाई होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर. ठीक. So, dilute solutions के ऊपर apply होती है, तो dilute solution के time पे जो elevation है, depression है, उनकी जो value होती है वो बहुत कम आती है. आपने देखा होगा कि जो डेल्टा टीबी है या डेल्टा टीएफ है, उनकी वैल्यू बहुत कम होती है. जब हम फाइंड करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम. लेकिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा. ठीक. सो इसलिए ये प्रेफर होती है. ठीक है. सो दिस वन इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड इसका रीजन एक और है कि इसके फॉर्मूला में जो जितने भी फॉर्मूला हम एलिवेशन में करते हैं या रिलेटिव लोरिंग में करते हैं या इसमें करते हैं, तो उन सब में हम क्या यूज करते हैं, मोलैलिटी. लेकिन कॉलिगेटिव जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें हमने क्या यूज किया था, पाई इक्वल टू सी आर टी. व्हाट इज सी, सी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये किसकी वैल्यू है, सी की. ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है हमारे पास, मोलैलिटी. So instead of molarity, here molarity is used. So it is a best colligative property for the determination of molar masses of solute. Okay? ये question बहुत important है. Here next है biological importance of osmosis. Biological importance of osmosis. अब देखो, biological importance.
बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में क्या आता है कि बायोलॉजिकली हम देखें अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उसमें क्या इम्पोर्टेंस है ऑस्मोसिस की. तो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में क्या होते हैं सेल. तो सेल के अंदर क्या है फ्लूइड, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं सेल सैक. एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेल सैक. जो सेल है जैसे सपोज ये वाला सेल है, ठीक है, ये बन गया हमारे पास फ्लूइड. ठीक है, जो सेल की वॉल है वो क्या एक्ट करेगी एज अ SPM सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. अब अगर हम सेल को प्लेस करेंगे किसी ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, या कह लो कि सेल को प्लेस किया हमने वाटर में या फिर किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब क्या होगा कि सपोज सेल को प्लेस कर दिया किसी वाटर में या किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा कि जो सेल है वो पानी है वो क्या जाएगा वाटर विल एंटर इनटू द सेल. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हिमोलिसिस. यह है हिमोलिसिस, क्लियर. और अगर ऑपोजिट करें कि यहां पे क्या हमने ऐड किया था वाटर, तो अगर सेल को प्लेस करते हैं इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सेल को प्लेस किया इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देन सेल विल श्रिंक. तो सेल की अगर स्वेलिंग हो रही है तो हिमोलिसिस, इफ द सेल विल श्रिंक देन इट इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. ठीक है, तो ये है हमारे पास बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. इसमें क्या क्या आता है कि जैसे हम प्लांट्स को पानी देते हैं, तो प्लांट्स को पानी कहां पर देते हैं, तो प्लांट्स को पानी हम देते हैं रूट्स के, रूट्स पर. ठीक है, तो रूट्स में पानी डालते हैं, तो रूट्स से क्या है पानी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ फ्लो होता है, उसकी पानी की मूवमेंट होती है. तो वो पानी की मूवमेंट किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, थ्रू द ऑस्मोसिस. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन कि जो डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती है, डिहाइड्रेटेड का मीनिंग क्या हो गया, दे मीन्स रिमूवल, जिसमें से जिसमें पानी निकला हुआ हो. ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो जब उनको प्लेस करते हैं इन वॉटर तो क्या होता है कि वो स्वेल हो जाती हैं. ठीक है, तो वो स्वेल क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पानी है जो वो एंटर इनटू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनकी जो वॉल है वो क्या एक्ट करेगी एज अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई, बट जब पानी के कंपैरेटिवली पानी क्या हो गया लो कंसंट्रेशन, तो ऑस्मोसिस क्या है लो टू हाई. तो जब वाटर इनके ऊपर हम स्प्रे करेंगे तो वाटर विल फ्लो इनटू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो ये क्या हो जाएंगी स्वेल. सो इसलिए जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को समर्स में क्या करते हैं, बार बार उनके ऊपर पानी का स्प्रे करते हैं, ठीक है, ताकि वो श्रिंक ना हो, वो स्वेल रहे. क्लियर. और अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर ये जो प्रोसेस हो रही है ऑस्मोसिस ये इंक्रीज होगी या नहीं. ठीक, सो वो क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इक्वल टू सी आर टी. So, pi is directly proportional to T. Clear? So, temperature increase किया. मतलब summers में temperature क्या हो गया? Increase. तो temperature increase करने से क्या हुआ? Osmotic pressure increase. So, ये जो process है, ये भी क्या हो जाएगी? Increase. ठीक है? So, ऐसे इस type के questions आ जाते हैं आपको. Clear? ये सारे questions osmosis के base पे ही हैं. Okay. एक question बड़ा important है कि आपने सुना होगा कि किसी को जैसे high BP हो जाता है ना, तो हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, तो डॉक्टर उसको हमेशा एडवाइस करता है कि आपने सॉल्ट नमक है जो वो ज्यादा नहीं खाना. वो क्यों करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज एडवाइजेबल टू टेक लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर. सो वो क्यों होता है, देखो सॉल्ट में क्या है NaCl, NaCl में क्या है कि सोडियम क्लोराइड, ये क्या है आयनिक, तो सोडियम क्लोराइड ने अपने आयंस दे दिए. ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए बॉडी में. अगर हम ज्यादा सॉल्टी फूड खाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज. सो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर क्या डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो आयंस ज्यादा हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया ज्यादा, सो इससे बीपी और बढ़ जाता है. ठीक है, सो इसीलिए वो क्या है कि डॉक्टर है जो एडवाइस करते हैं कि नमक को थोड़ा कम खाओ. क्लियर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन.
कि व्हाई डू वी गेट, व्हाई डू वी गेट समटाइम्स एबनॉर्मल मोलर मासेस, एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो मोलर मास है वो एबनॉर्मल क्यों आता है। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या हुआ कि जैसे यूरिया का मोलर मास 60 है तो 60 नहीं आया, 60 से ज्यादा आ गया या 60 से कम आ गया, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक्यूरेट मोलर मास नहीं है, ये हमारे पास क्या है एबनॉर्मल मोलर मास। तो वो पूछ रहा है कि व्हाई डू वी गेट समटाइम्स एबनॉर्मल मोलर मासेस, तो क्यों आते हैं ऐसे एबनॉर्मल मोलर मासेस। अब देखो इसका रीजन क्या है कि हम उल्टा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कि इसको ऐसे चेंज कर देते हैं कि एक्यूरेट मोलर मास कब आना चाहिए। एक्यूरेट मोलर मास कि अगर यूरिया का मोलर मास 60 है तो 60 कब आएगा, फर्स्ट जब सॉल्यूशन क्या हो गया डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सेकंड क्या होता है कि सॉल्यूशन में किसी टाइप की एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो अब देखो अगर इससे बिल्कुल ऑपोजिट चला गया, जैसे कि सॉल्यूशन डाइल्यूट की जगह क्या हो गया कंसंट्रेट, क्लियर, तो तब क्या होगा हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास आएगा। सेकंड अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट है, ठीक, तो उसमें क्या होगा फिर, या तो जो उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा एसिड है तो एसिड में क्या हो जाएगी एसोसिएशन, उसी तरह से अगर जिसमें जैसे सोडियम क्लोराइड है उसमें क्या होगी डिसोसिएशन। सो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो देयर शुड बी नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन, बट अगर सॉल्यूशन क्या हो गया कंसंट्रेट तो या तो उसमें एसोसिएशन होगी या फिर उसमें डिसोसिएशन। और जब ये दो प्रॉपर्टीज हो जाती हैं कि एक सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाता है तो दूसरा उसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन आ जाती है, तो उससे क्या होता है हमारे पास कि जो मोलर मासेस है वो क्या हो जाते हैं इनएक्यूरेट, और वी कैन से कि एबनॉर्मल मोलर मासेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर।